उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना फिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भोवापुर मार्ग पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। परिवार ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के बेटे का कहना है कि उसके बड़े भाई ने चार लोगों को मौके पर देखा था। बड़े भाई को देखते ही चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन मृतक का बड़ा बेटा उन्हें पहचान नहीं पाया था। नाम मेरा बिलाल है। बिलाल जी, क्या हुआ आपके पापा के साथ में जो बॉडी मिली है, क्या है? हमारे पापा के साथ में जी 5 बजे हमें पता पड़ा जी कि तुम्हारे पापा को पीट रहे थे, तो हम वहाँ पहुंचे तो हमने जाके देखा तो हमारे पापा उल्टे पड़े थे और हमारे पापा का दम निकाल दिया था, खत्म हो गए थे। हमारे पापा मार दिए हमारे पापा को, तो हमारे भाई भी पहुंचा, हमसे बड़ा वाला जो भाई हमारा पहुंचा वो मोटरसाइकिल लेके, तो 4 बजे थे, भागते हुए उन्हें देखे थे हमारे भाई ने, वो पहचानने में नहीं आए थे भैया जी। उन्होंने भैया से भैया को पता है हमारे को कौन है कौन नहीं है, उन्हें भैया को जानकारी है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आ गई थी अभी और पुलिस आके ले गई थी पापा को। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि थाना पिलखुआ क्षेत्र के गांव मदापुर निवासी 70 साल के शेर मोहम्मद गांव में मछली पालन का काम करते थे। बताया जा रहा है कि देर रात वो तालाब के पास ही रुक गए थे। आज मदापुर मार्ग पर शेर मोहम्मद का शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिवार का कहना है कि हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।